मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मगरपुर में कुछ कबूतर रहते थे। बच्चों, तुमने तो देखा है ना कि वे किसी जगह को भी अपना घर बनाकर रहना शुरू कर देते हैं। तो वे कबूतर कभी एक जगह उड़ते तो कभी दूसरी जगह चले जाते। कई लोग उनको खाने के लिए दाना डालते तो कुछ लोग रोटी भी डाल देते। कुछ लोग तो रोज उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ डालते रहते थे। एक आदमी कबूतरों से बहुत प्यार करता था, यहाँ तक कि उनको अपने हाथों से खाना खिलाता था। उसको कबूतरों की बहुत चिंता होती थी। वह सोचता था कि शिकारी आकर उनको पकड़कर ले जाएगा, तो उसने कबूतरों को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। वह उनसे रोज बुलवाता था। क्या बुलवाता था? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, तुम मत खाना, फंस मत जाना। अब तो रोज कबूतर हर समय ये पाठ पढ़ते रहते थे। क्या पढ़ते थे? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, तुम मत खाना, फंस मत जाना। एक दिन बच्चों, सचमुच शिकारी आ गया। तो वह दाना डालने ही वाला था कि उसने कबूतरों को यह कहते सुना, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, तुम मत खाना, फंस मत जाना। शिकारी रुक गया, वह घबरा गया कि अगर ये कबूतर ऐसा बोल रहे हैं तो वह नहीं आएंगे और मेरा खाना भी वेस्ट हो जाएगा। मैं अपना दाना वेस्ट क्यों करूं? तो वह वहां से चला गया। फिर 3-4 बार वह वहां आया और हर बार सुनकर निराश होकर चला जाता। एक दिन शिकारी ने सोचा कि ऐसा कैसे हो गया, कबूतर इतने समझदार कहाँ से हो गए? पर ऐसे तो मेरा काम ही बंद हो जाएगा। मैं आज दाना डालकर जाल फैलाकर देखता हूं कि क्या होता है। आज शिकारी वहां गया, कबूतर फिर वही पाठ दोहरा रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, तुम मत खाना, फंस मत जाना। पर शिकारी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने तो पहले से ही फैसला किया हुआ था कि आज तो जो होगा देखा जाएगा। शिकारी ने दाना भी डाला, जाल भी फैला दिया। अरे, ये क्या हुआ? कबूतर आ गए, दाना खाने जाल में फंस गए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वे अपने पाठ को अभी भी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, तुम मत खाना, फंस मत जाना। पर अब तो कबूतर जाल में फंस ही चुके थे और वह फड़फड़ाने भी लगे। तो उनमें से कुछ समझदार कबूतर थे जो अभी भी जाल में नहीं फंसे थे। उन्होंने बाहर से ही सलाह दी कि अब हमें और बेवकूफी नहीं करनी है, हिम्मत नहीं हारनी। अगर हिम्मत करो तो मुश्किल समय भी पार हो जाता है। अब हमें चूहे के पास चलना चाहिए, वह ही हमारे जाल को उतर देगा। ओहो, पर यहां से कैसे जाएं? हम तो जाल में फंसे हैं। तो बाहर वाले कबूतरों ने बोला कि देखो, अकेले अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। हम सब साथ मिलकर जोर लगाएंगे तो जाल के साथ उड़ जाएंगे। उन्होंने सबसे बोला कि जैसे हम 1, 2, 3 करेंगे तो सभी जोर लगाएंगे। तो उन्होंने बोला 1, 2 और 3, और सबने जोर लगाया, मिलकर जोर लगाया और इकट्ठे जाल को लेकर उड़ गए। शिकारी देखता ही रह गया। बच्चों, इकट्ठे मिलकर हम सब मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। अलग-अलग सबके लिए मुश्किल होती है। अब वे जाल के साथ चूहे के घर गए और चूहे ने उनको जाल से मुक्ति दिलाई, जल्दी से उतर दिया। उन्होंने चूहों का धन्यवाद किया और उड़ गए, अपने झुंड में मिल गए। बच्चों, कैसी लगी कहानी?